Hello friends, and once again welcome to Instagram Masterclass course powered by WS Cube Tech. Guys, last video में हम लोगों ने Instagram की बहुत सारी bios देखी थी और उसमें देखा था कि हर एक particular bio में कुछ elements को use किया गया था. किस तरीके के elements? कुछ popular terms थे, कुछ trending terms थे, उनको hashtag बना दिया गया. कहीं पर जिन लोगों की website थी उन लोगों ने अपनी website का वहां पर link mention कर दिया और क्या किया कि emojis को use किया गया ताकि जो bio है वो और क्रिएटिव लगे और जो यूजर का एक्सपीरियंस है यानी जो भी विजिटर आपकी बायो पढ़ेगा या आपकी प्रोफाइल पर आएगा उसका एक्सपीरियंस जो है वो इनरिच हो. और साथ ही साथ कुछ कॉल टू एक्शंस यूज किए गए. तो ये बहुत सारे छोटे बड़े एलिमेंट्स को यूज किया गया. उसके बाद बायो जो है लोगों ने अपनी बायो बनाई. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है अपना जिसको हम बिगिनिंग से लेकर चले आ रहे हैं उसमें हम लोग एक बायो को सेट करते हैं, एक बायो वहां पर डिफाइन करते हैं, बायो को लिखते हैं. तो सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर. तो फ्रेंड्स यहां पर मैं सीधे आ चुका हूं अपने उसी अकाउंट के ऊपर जिसको हम लोग बिगिनिंग से लेकर चल रहे हैं. फ्रेंड्स तो यहां पर अगर आपको बायो एडिट करनी है तो नॉर्मली आपको एडिट प्रोफाइल में जाना है और फिर आप देख सकते हैं ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यहां पर बायो लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको मिलती है 150 कैरेक्टर्स की लिमिट. तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा जो आपका बिजनेस है या आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप कम शब्दों में कम कैरेक्टर्स में आप यहां पर रिप्रेजेंट कर पाए. तो यहां पर मैंने एक ऑलरेडी बायो बनाकर रखी हुई है तो चलिए उसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग और उसी को यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं. तो एक मिनट मैं इसको अलाइन कर दूं. तो अब देख रहे हैं आप सोशल मीडिया और पेड एडवर्टाइजिंग अलाइन हो गया और इसके बाद मैं यहां पर इसको डन पर क्लिक कर देता हूं एंड नाउ अगेन डन. तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमारे इंस्टाग्राम नेम के नीचे ये बायो हमारी क्रिएट हो गई और इसमें मैंने जो है जो कुछ इमोजीज हैं उनका भी यूज किया और अपना जो बिजनेस की निश है उसको भी यहां पर लिखा, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको भी मैंने यहां पर लिखा. साथ ही साथ अगर आप देखें तो मोबाइल का एक इमोजी बना हुआ है और उसके साथ एक मोबाइल नंबर फॉर क्वेरीज लिखा हुआ है which means that you can call us on this number if you have any queries. तो ये call to action है. तो ऐसे बहुत सारे elements और यहाँ पर अगर आप देखें तो other@wscubetechindia लिखा हुआ है which means that कि मैंने जो मेरा official account है उसको यहाँ पर connect करके रखा हुआ है इस particular account से. तो मैं यहाँ पर अगर click करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो normal हम लोग का जो official account है उसको मैंने यहाँ पर connect किया होता है, उसका यहाँ पर link बनाकर रखा हुआ था. तो गाइज अभी थोड़ा बहुत और चेंजेस करते हैं इसमें. जैसे एडिट प्रोफाइल में गए और यहाँ पेड एडवर्टाइजिंग के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 कैरेक्टर्स की मेरे पास लिमिट है. तो लेट्स यूटिलाइज दोज कैरेक्टर्स. नाउ आई विल क्लिक ऑन एंटर एंड फ्रॉम हियर आई विल क्लिक ऑन एंटर एंड लेट्स सी कि ये किस तरीके से दिखता है. नाउ आई विल क्लिक ऑन डन एंड जस्ट अ मिनट let me do it again. Let me click here enter and here also and then I'll click on done. So you can see that हम लोगों ने यहाँ पर कुछ spacing दी. तो ये कुछ इस type से structure अब आपको दिख रहा है हमारी bio का. तो आप इस तरीके से थोड़े बहुत experiments कर सकते हैं ताकि जो visibility है वो क्लियर रहे आपकी बायो की और जो यूजर एक्सपीरियंस है वो किसी भी तरीके से गड़बड़ ना हो और जो आपको मैसेज डिलीवर करना है वो कायदे से डिलीवर हो. क्योंकि यहां पर आने के बाद जो यूजर है वो डिसीजन लेगा कि उसे आपके अकाउंट को फॉलो करना है या नहीं करना है. देखिए अगर मैं आपको एक टिप देता हूं, अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू तो प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए बाद में आप सोचें. पहले आप इस तरीके से सोचें कि आपको अपनी बायो बेचनी है यानी आपको अपनी बायो को बिल्कुल अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी जो यूजर आए वो आपके अकाउंट को फॉलो करे. तो आप इस तरीके से जब चेंजेस करेंगे और इस तरीके से जो आपके निश है उसके रिलेवेंट वर्ड्स यूज करेंगे और थोड़े बहुत इमोजीज यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इमोजीज भी नहीं यूज करने कि आपका जो मैसेज है वही मिस हो जाए और पूरे जो बायो है वो 150 कैरेक्टर्स की लिमिट होती, इसमें अगर आप 8 10 12 इमोजीज यूज कर देंगे तो वही दिखेंगी जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो जनरली वहां से मिस हो जाएगा.
तो इस तरीके से आप अपनी बायो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। एंड अभी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी लिमिट बचती है, केवल 4 की लिमिट बच रही है। और फाइन, दैट्स फाइन, आई थिंक सो इट्स ऑल ओके। सो वी हैव डन सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, जो हमारा अभी हम लोगों ने सीखने के लिए अकाउंट बनाया है। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, जैसे हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम के बारे में जान लिया, देन इंस्टाग्राम नेम के बारे में जान लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपनी बायो को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और एक चीज और, हम लोगों ने यहाँ पर कहीं हैशटैग नहीं यूज किया था, तो चाहे तो हम लोग यहाँ पर एक हैशटैग यूज कर सकते हैं। वो हैशटैग यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पेड एडवर्टाइजिंग, एंड सोशल मीडिया इज वेरी पॉपुलर टर्म। तो यहाँ पर इफ विल पुट सम हैशटैग, हैशटैग सोशल मीडिया एंड हैशटैग पेड एडवर्टाइजिंग, तो यू कैन से दैट कि पेड एडवर्टाइजिंग उतना पॉपुलर नहीं है, केवल 4,597 पोस्ट हुई हैं पेड एडवर्टाइजिंग हैशटैग पर। और वहीं पर सोशल मीडिया की बात करें तो अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक मिनट, यहाँ पर हम लोग इसको वापस हैश पुट करते हैं। और सोशल मीडिया पर आप देखें लगभग 82 लाख पोस्ट हुई हैं सोशल मीडिया हैशटैग के अंडर। तो गाइस बहुत बड़ा स्कोप है इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैशटैग के ऊपर। हैशटैग्स पर एक पर्टिकुलर बहुत डिटेल्ड वीडियोस आने वाले हैं आगे इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में, वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में, तो आप उनको देखेंगे तो आपको हैशटैग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी हम लोगों का पर्पस था केवल अपनी बायो को समझना। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको आपको सही तरीके से यूज करना है। और एक बार आपने यूज किया एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि बिकॉज इट्स ऑल इनटू योर हैंड्स, ये कहीं भी भागा नहीं जा रहा है। आपको आराम से अब दूसरा टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर से जो है नए तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। आप 4-5-6 वेरिएंट्स बना सकते हैं और फिर एक के बाद एक आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी टाइम आप ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। आप जो है अपने इंस्टाग्राम नेम को चेंज कर सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम बायो को चेंज कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट टू बी वरीड, राइट। सो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट और इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट के बारे में। टिल देन गुड बाय।